तो हेलो बच्चों, मैं अभी मिश्रा फ्रॉम केके कोचिंग आपका स्वागत करता हूं फिर से अनदर वीडियो ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वही केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट है फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, अब उसके कुछ और भी पार्ट हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बचे हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, इन सबको पढ़ने के बाद हम लोग को रेंसिडिटी और कोरोजन वोजन पढ़ने के बाद हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही नहीं रुकेगा, इसके बाद में एक और वीडियो, लास्ट वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूंगा, साथ में क्या दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगा, जिसमें क्या रहेगा कि केमिकल्स रहेंगे, उनके कलर्स रहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी कल क्वेश्चन में दे देता है कि ये कलर का ये फॉर्म या ये प्रोडक्ट बना इस कलर का, तो आपको बताना पड़ता है, तो उसके लिए आपको उस केमिकल का कलर भी पता होना चाहिए। तो लास्ट में उस वाले वीडियो में मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें जरूर वही बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है क्या, देखते हैं भाई, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है प्रेसिपिटेशन। कहता है एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट में लिख दिया कॉल्ड द प्रेसिपिटेट, एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कह रहा है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि कोई भी सॉलिड क्या हो जाए, मतलब कि कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें आपको कोई सॉलिड प्रेजेंट मिल जाए जो कि इनसॉल्युबल हो, किसमें, वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखिएगा अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और रिएक्शन कराने के बाद एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, क्या है ये बेरियम, यह है क्लोराइड, तो जब हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, दोनों ही क्या है AQ, मतलब इसका AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, कभी यहाँ पे एल भी लिखा जाता मतलब लिक्विड होता है, अगर यहाँ पे S लिखा जाता उसका मतलब होता है सॉलिड, और अगर यहाँ पे G लिखा जाता उसका मतलब होता है गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करा है, तो क्या बना हमारा, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बना। मान लीजिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक बार सॉल्यूशन थे, लेकिन ये जो बना आपको वो सॉलिड में बन गया। अब सॉलिड में बनने का कहने का ये मतलब है कि वाइट पीपीटी मतलब वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब कि ये डिसॉल्व नहीं हो रहा सॉल्यूशन में आपका, और जो सॉल्यूशन में आफ्टर रिएक्शन जो ऐसा हो कि ऐसा कुछ बन जाए जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही ना हो, खुले ही ना, क्या हो रहा है ये घुल नहीं रहा है, रिएक्शन के बाद ये जो चीज था इसमें घुला नहीं, और इसमें घुलने ना कारण ही क्या हो गया, ये वाइट पीपीटी अगर क्या हो नीचे जाकर सॉलिड पार्टिकल के रूप में बैठ जाएंगे या पानी मॉलिक्यूल में घूमते रहेंगे, हैवी पार्टिकल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इसको बोला जाएगा क्या, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमको ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता हो उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो चलिए मुझे लगता है आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, मुझे क्या है ना, आज यूट्यूब से एक मैसेज आया। ठीक है, तो आज इसीलिए मैंने आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, जानते हैं क्यों, बस यही कारण था कि आज मुझे YouTube से एक मैसेज आया, क्या कहा गया कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब बोलो ही ना। मैंने बोला क्यों, क्या बोला आपके दम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्या है ना वो ढासू सर की तरह 5000 लौंडे बुलाने का ताकत नहीं है। तो ठीक है, तो जब 5000 लौंडे नहीं बुला सकते तो लाइक एंड सब्सक्राइब बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, और सच में ऐसा होता है कि मैं देखता हूं जहां पर मैं बोलूंगा ना ठोको, या बोलूंगा मुझे 5000 लौंडे चाहिए, तभी आप लोग आओगे यार, फिर मेरे वीडियो को देखोगे। यार ये सब करने से पहले यार वीडियो देखो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, यार मेहनत लगता है, आपको पढ़ा रहा हूँ यार, देख लो पूरा वीडियो अंत तक, साथ कुछ आपको समझ ही आ जाए। ठीक है, मैं आपको वो परफेक्ट चीज दूंगा जो आपको, मतलब कि ये नहीं फालतू की चीजें रहे 11th 12th की देने लगूं, मैं आपको वही चीज दूंगा जो 9th में आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो जरूर चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कि ये करो वो करो, आप देखो वीडियो पढ़ो। ठीक है, हाँ एक चीज और कहूं, जो
हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि हाँ ढासु सर जैसा मतलब खतरनाक बोलने वाला जब तक ना हो जाऊं तब तक पढ़ लो, वरना मैं भी कहूंगा ठो के पढ़ो, ये करो वो करो, 5,000 लौंडे चाहिए ये सब बोलना शुरू कर दो, उससे पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे से भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? ऑक्सीडेशन, अ सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन। क्या कह रहा है? अ सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन। ध्यान दो किसके बारे में बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा हूं भाई। ऑक्सीडेशन यहां पे देखो क्या होगा, क्या कह रहा है, अ सब्सटेंस, क्या ना डेफिनेशन मैंने देख रहा हूं, और अ सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन और रिड्यूस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा भाई। ऑक्सीडेशन क्या होगा भाई, जिस रिएक्शन में जिस पॉइंट पे जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या होता हो निकलता हो, या ऑक्सीजन क्या होता हो जुड़ता हो, गेन मतलब जुड़ना मतलब उससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता हो, या रिड्यूस हाइड्रोजन मतलब या तो हाइड्रोजन क्या होता हो निकलता हो, और ये सब होने का जब ये सब इनमें से कोई भी एक भी चीज होता है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, एकदम जस्ट उल्टा, क्या कहेंगे भैया, अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता हो लेता हो, और लॉस ऑक्सीजन और लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, और लॉस ऑक्सीजन सॉरी अगेन इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन, यहां पे ये इसका मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब समझो बात, इतना तो मुझे लगता है डेफिनेशन में पढ़ने पे आपको समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन भाई क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता, ऑक्सीजन जुड़ता, हाइड्रोजन निकलता, और रिडक्शन में उल्टा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आता हो, ऑक्सीजन निकलता हो, हाइड्रोजन निकलता हो, तो ये हो गया रिडक्शन। तो क्या मतलब कि क्या है खास, मतलब कैसे इसको लर्न किया जाए, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि कैसे इसको लर्न किया जाए और इनको समझा जाएगा इस एग्जांपल से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन में आप ध्यान दोगे इसका नाम है ऑक्सी, ऑक्सी तो याद रखो, जैसे क्या ऑक्सीडेशन एडिशन, ऑक्सी एडिशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन का ऑक्सी का ध्यान दो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और इसी कारण यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पे ऐड होगा मतलब ऑक्सीजन यहां पे गेन होगा। याद रखिए, कैसे याद करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन एडिशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है जहां पे वहां पे बोलेंगे ऑक्सीजन, तो याद रखिए ऑक्सीजन को जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हाइड्रोजन वाले केस को ऐसे, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको समझ लो कि हाइड्रोजन वहां से क्या होगा निकलेगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वहां से हाइड्रोजन क्या होगा निकलेगा, और जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा तब भी क्या है ऑक्सीडेशन। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन भाई कब ऐसे याद करें, तो ध्यान दो हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने से हाइड्रोजन होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपेयर कर लो, तो हाइड्रोजन निकला मतलब एक इलेक्ट्रॉन जैसा निकल गया, तो इसलिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के निकलने से भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। एकदम जस्ट उल्टा, जैसे ही आया तो इसको याद कर लो, उसका उल्टा कर लेना तो रिडक्शन में, तो रिडक्शन को याद करना, रिडक्शन रिडक्शन मतलब कि क्या कर रहा है, रिड्यूस करता हो किसको, ऑक्सीजन को, उल्टा ऑक्सीजन का उल्टा है री है मतलब उल्टा है, करा कि रिडक्शन करता है किसको, ऑक्सीजन को, तो बाकी दोनों क्या होंगे गेन होंगे, यहां पे याद रखना रिडक्शन हो गया। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, जैसे यहां पे देखो यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा था, और जैसे ध्यान देना ऑक्सीजन जुड़ा था कॉपर के साथ, अब यहां पे क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हाके, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गया निकल, और ऑक्सीजन के निकलते ही लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या रिडक्शन है भाई, ऑक्सीजन का निकलना ही तो क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है, यहाँ पे वापस ऑक्सीजन था यहाँ पे हट गया, इसलिए यहाँ क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, और यहां पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या था, ऑक्सीजन था नहीं था, लेकिन यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम रिडॉक्स के बारे में। ठीक है, तो रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, याद रखो सिंपल सा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, क्या कहता है कि अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ
सॉरी लिखिएगा, अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कह रहा है कि इन्हीं दो के सब्सटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हो तो याद रखिएगा उसको बोलेंगे रिडॉक्स। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉपर जो था, कॉपर ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ था, ये कॉपर बना लिया था, कॉपर अकेले चला गया था और ये बना लिया था क्या, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया था। और इसमें हुआ क्या था, यहां पे हुआ था रिडक्शन, यहां पे हुआ था यहां पे हुआ था ऑक्सीडेशन और यहां पे हुआ था क्या, यहां पे हुआ था रिडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो गया ना, यही कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में, क्योंकि यही पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, इन दोनों के बीच में ही हुआ होगा, और जिसमें रिडॉक्स होता है ना, समझ लीजिए वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं, अब दो टॉपिक और बचा बस, कोरोजन और रेंसिडिटी, इनके बाद आपका चैप्टर ये वाला खत्म। मैंने बोला था कि लास्ट वाले, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कलर बताऊंगा एलिमेंट का, वो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें कलर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए समझिए। अब देखिए कोरोजन क्या होता है, कोरोजन सिंपल सी बात है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज द एसिड ऑन दियर सरफेस, ठीक है। तो याद है किसी भी मेटल का खत्म होना, कैसे खत्म होना, कह रहा है या तो मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब जो हवाओं में जो वाटर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उनके द्वारा, एयर में प्रेजेंस जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके द्वारा, मतलब ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, या किसी एसिड के कारण, जब क्या होता है कोई मेटल क्या होता लगता है, खत्म होना, जिसको हिंदी में हम लोग जनरली मूर्छा बोलते हैं ना, वही हो रहा है। असल में धीरे धीरे जब उसके सरफेस क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दो, जब आप क्या कह रहे हैं यहां पर, जैसे आयरन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के एक्स वाले वाटर मॉलिक्यूल का, मतलब कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके जब प्रेजेंस होता है तो वो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, नंबर ऑफ एक्स H2O के साथ बनाता है, और यही होता है कोरोजन, मतलब मेटल का खत्म होना, किसके साथ, मॉइस्चर के साथ खत्म होना, या किसी एसिड के साथ धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है, खत्म पूरी तरह से ग्रेजुअली ईटन अप हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, उसे ही कहेंगे क्या, कोरोजन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपकी रेंसिडिटी, उसको बढ़ा देता हूं, ये टॉपिक खत्म। तो चलिए देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी रिफर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट जो हम लोग कोई भी जो सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस होता है उसके बारे में बात कर रहा है, इन द फूड दैट कैप फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इट गिव बैड स्मेल एंड टेस्ट फॉर ऑफ टू फूड, ठीक है। जो क्या करता है, जब हम किसी खाने या किसी भी चीज को लंबे समय तक देते हैं तो देखते हैं वो क्या होता है, बहुत गंदा स्मेल और टेस्ट आने लगता है। तो यही जो प्रोसेस होता है ना, जो क्या होता है, किसी भी खाने का क्या होना, स्पॉयल हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाना, तो यही कहलाता है आपका रेंसिडिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई खाना क्या होता है, किसी ऑक्सीडेशन होने के कारण वो खाना धीरे धीरे क्या कहा जाए, खत्म हो जाए बैक्टीरिया के जुड़ने से, तरह तरह के प्रोसेस से, तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी। और इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, ऑयल का मिक्सचर नोट और सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से हम लोग उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो आज ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब चलेगा आपका जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक क्लास 10 का जो स्टार्ट होने वाला है साइंस में, वो होगा फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, और याद रखिएगा मैथ जो स्टार्ट करने वाला हूं वो होने वाला है ट्रायंगल, ठीक है। तो जल्दी से पहले मैं ट्रायंगल लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं मैथ भी स्टार्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं मैथ में अब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके बाद वो रहेगा किसका, वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको एक नई बात के साथ जुड़ूंगा, देखते रहिए, नेक्स्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, वरना फिर वही मुझे 700 सर बनना पड़ेगा, और फिर मैं 5000 लोगों के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।